नमस्कार, मैं गुनगुन आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। नासा ने आज के दिन अंतरिक्ष में भेजे थे दो बंदर। 28 मई 1959 का दिन नासा और विज्ञान के लिए बड़ी उपलब्धि लेकर आया था। नासा और सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में जीवन की संभावना का पता लगाने आज के दिन दो बंदरों को स्पेस क्राफ्ट से अंतरिक्ष में भेजा था और दोनों बंदर सकुशल धरती पर लौट भी आए। इन बंदरों का नाम था बेकर और एबल। सर फ्रांसिस नाव से दुनिया का चक्कर लगाकर आज के दिन लौटे थे स्वदेश। ब्रिटेन के नाविक सर फ्रांसिस चिटचेस्टर अकेले पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर 28 मई 1967 को नाव से वापस लौटे थे। ब्रिटेन पर पहुंचने पर करीब 25,000 लोगों ने उनका स्वागत किया था। सर फ्रांसिस ने 220 दिनों में दुनिया के बड़े समुद्रों का चक्कर लगाया था। उस समय उनकी उम्र 65 साल थी। नेपाल में आज के दिन हुआ था 240 साल पुरानी राजशाही का अंत। नेपाल में 240 साल से चल रही राजशाही का अंत 28 मई 2008 को हुआ था और लोकतंत्र का उदय हुआ था। इसके बाद नेपाल में संविधान के अनुसार देश चलाने के रास्ते खोल दिए गए थे। हालांकि वर्ष 1959 में विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला लोकतांत्रिक रूप से नेपाल के पहले प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन विद्रोह के चलते उन्हें पद से हटाकर जेल में डाल दिया गया था। बाद में 2008 में जब राजशाही का अंत हुआ तब नेपाल की बागडोर राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव के हाथ में थी। अप्रतिम क्रांतिकारी वीर सावरकर का आज के दिन हुआ था जन्म। महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, राष्ट्रवादी नेता और विचारक विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को हुआ था। हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व को विकसित करने का बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। सावरकर के राजनीतिक दर्शन में उपयोगितावाद, तर्कवाद, प्रत्यक्षवाद, मानवतावाद, सार्वभौमिकता, व्यवहारिकता और यथार्थवाद के तत्व थे। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। नासिक षड्यंत्र के आरोप में सावरकर को कालापानी की सजा पर सेलुलर जेल भेजा गया था। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।